हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और चैनल के सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी नाभि के नीचे कुछ ऐसा सिम्टम्स आपको बताने जा रहे हैं, आपके पेट में नाभि के आसपास के हिस्से में ऐसा कुछ सिम्टम्स बताने जा रहे हैं जिससे कि आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका गर्भधारण हो गया है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो चलिए इस खास टॉपिक पर बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं अपने पेट के हिस्से में किस हिस्से में किस तरह का दर्द हो रहा है या नाभि के नीचे अगर आपके कुछ पेन हो रहा है, जो कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि आपका गर्भधारण हुआ है या नहीं। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए वीडियो देख के, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपकी नाभि के आसपास के एरिया में या नाभि के नीचे आपको बटरफ्लाई जैसे उड़ने जैसा एक कुछ फीलिंग आ रही है, या फिर आपको पीरियड के क्रैम्प्स जैसा पेट में दर्द हो रहा है और अभी आपकी ड्यू डेट बची हुई है, ड्यू डेट पास हो गई है, उसके बाद भी अभी आपको पीरियड जैसे क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं, आपके पीरियड्स आए नहीं हैं अभी तक और दर्द आपको पीरियड जैसा बराबर फील हो रहा है डेट से पहले से लेकर डेट मिस होने के बाद तक, तो ये डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही लक्षण है। इसका मतलब है कि आपका गर्भधारण हो चुका है। दूसरा जो दर्द होता है वो आपके पेट के दाहिने या बाएं हिस्से में होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ओवुलेशन टाइम होता है तो जो एग रिलीज़ होता है वो हमारी ओवरी से होता है और हर महिला के शरीर में दो ओवरी होती है, एक दाईं तरफ होती है पेट के और एक पेट के बाईं तरफ हिस्से में होती है, और हर महीने किसी एक ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में आता है, और दो फैलोपियन ट्यूब भी होती है जो कि दोनों ओवरी से अलग अलग अटैच होती है। तो जब किसी एक ओवरी से एग रिलीज़ होता है हर महीने, अगर इस महीने दाईं ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है तो अगले महीने बाईं ओवरी से रिलीज़ होता है, तो इस तरह से अल्टरनेट प्रोसेस हर महीने चलता है। तो जब एग रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब में आता है और जब वहाँ पर स्पर्म को मिल जाते हैं और स्पर्म फर्टिलाइज़ कर देता है को, तो फर्टिलाइज होने के बाद उस एग में काफ़ी सारे डिवीज़न होते हैं और वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद जायगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है। तो ये सब जरा प्रोसेस होता है, ये सारा जब प्रोसेस होता है तो उस दौरान भी आपको अपने पेट के दाएं तरफ या बाएं तरफ डिपेंड करता है कि उस महीने किस तरफ से आपका एग रिलीज़ हुआ है, तो थोड़ा सा आपको दर्द, चुभन टाइप का दर्द महसूस होता है। ये सब आपके ओवुलेशन टाइम से स्टार्ट होकर के इम्प्लांटेशन फेज तक हो सकता है, या फिर आपके एग रिलीज़ होने के टाइम पर भी हो सकता है। जिन लोगों को अपने ओवुलेशन सिम्टम्स नहीं पता होते वो पेट के इन हिस्सों में दर्द से भी कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरफ से इस महीने एग रिलीज़ हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा और ख़ास लक्षण होता है आइडिया लगाने का। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पेट के बाईं या दाएं हिस्से में भी दर्द होता है, साथ ही नाभि के नीचे एक बटरफ्लाई जैसी फीलिंग आती है उड़ने जैसी, और साथ ही पीरियड्स के क्रैम्प्स भी आते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। वो क्रैम्प्स लगातार बने रहते हैं, वो डेट मिस होने के बाद तक आपके बने रह सकते हैं, लेकिन बस ये है कि फिर पीरियड्स नहीं आता आपको, या तो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकती है जो कि कंसीव होने पर, और जब एम्ब्रियो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार से, तब शुरू होती है, तो स्पॉटिंग हो सकती है और पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स आ सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग हैवी नहीं होती और ना ही रेड ब्लीडिंग होती है। तो जब इस तरह के दर्द आपके पेट में हो, नाभि के नीचे इस तरह का दर्द हो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका गर्भधारण हो गया है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन टेस्ट करने में जल्दबाजी मत करिए, इस दर्द को देखते हुए आप फटाफट टेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये मत करिए, आपकी डेट मिस हो जाने दीजिए, डेट मिस होकर के 5-6 दिन ऊपर हो जाए, उसके बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा और आप कन्फर्म हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी है। जल्दबाजी में टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो ये थी खास जानकारी कि नाभि के नीचे दर्द हो या फिर पेट के अलग हिस्से में दर्द हो तो कैसा महसूस होता है, कैसे कन्फर्म कर सकते हैं गर्भधारण हुआ है या नहीं। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई बेहतर जानकारी से, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।